हेलो एनीमे लवर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया एनीमे जो ऐसे ट्राइब्स की स्टोरी है जिसमें प्यार नफरत में बदल जाता है। तो आइए शुरू करें बेसिलिस्क की कहानी। कहानी की शुरुआत दो ऐसे ट्राइब्स से होती है जिन्होंने एक दूसरे से नफरत करने की कसम खाई है। दुश्मनी के कारण मरे ट्राइब्स के लोगों की खून में लथपथ बॉडीज खुले आसमान के नीचे सड़ने के लिए पड़ी हुई हैं। उनकी आत्मा भटक रही है शांति की खोज में। जैसे सांप और गरुड़ एक दूसरे के नेचुरल एनिमी हैं, वैसे ही दुश्मनी ने उम्मीद की सारी किरणों को बुझा दिया है। प्रेजेंट में एक बड़ी इमारत के आगे कुछ मास्टर बैठे होते हैं। उनके ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हैं और दो योद्धा आमने सामने हैं। उनमें से एक का कूबड़ निकला हुआ है और बहुत ही भयानक चेहरा है। दूसरा योद्धा काफ़ी यंग और एक्टिव है। उनके बीच फाइट शुरू होती है। जो यंग फाइटर होता है वो कूबड़ निकले फाइटर पर पतली और शार्प स्टील वायर से वार करता है। कूबड़ निकले हुए फाइटर को चांस ही नहीं मिलता डॉज करने का और अगले ही पल वो अपने आप को वायर्स वेब में जकड़ा हुआ एक बड़े पत्थर पर बंधा पाता है। वो वायर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं कि पत्थर को भी काटने लगती हैं। यंग फाइटर हंसता है और कुबड़े फाइटर को बोलता है, तुम चिंता मत करो, और स्टील वायर्स को अपनी जीभ से छूकर बोलता है, तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो। उसके ऐसा बोलते ही सारी स्टील वायर्स और ज़्यादा टाइट होकर पत्थर और उस कुबड़े फाइटर की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो फाइटर धाराशाही हो जाता है। ये देखकर वहां बैठा एक मास्टर बोलता है, ये वायर्स तो कटाना द कर्व्ड स्वॉर्ड से भी ज्यादा मजबूत और तेज धार वाली है। वो अपने पास बैठी एक बूढ़ी औरत से पूछता है, ओगन ये आखिर है क्या? तुम्हारा निंजा आखिर कौन सा वेपन यूज कर रहा है? ओगन हंसती है और उसके टूटे फूटे दांत दिखने लगते हैं। वो आगे बोलती है, मेरा निंजा कोकुजो टेक्निक का मास्टर है। इसका नाम है याशामारू, एक यंग फाइटर जो अपने ओपोनेंट्स की किस्मत लिखता है। ये जवान लड़कियों के बालों से बने स्ट्रैंड्स हैं जो कोटेड है एनिमल ऑयल से, शाइनी और इतने शार्प हैं कि तुम्हें दो टुकड़ों में काट सकते हैं। पर इनका भी एक ड्रॉबैक है, ये कोकुजो स्ट्रेंथ टेक्निक तभी घातक साबित होते हैं जब ये अपने टारगेट को हिट कर पाए, नहीं तो ये बिल्कुल बेकार है। याशामारू हंसते हुए अपने गिरे हुए ओपोनेंट को बोलता है, तू अब एक दया की भीख मांगने वाला बुढ़ा दिख रहा है, तैयार हो जा मरने के लिए। वहां पर बैठा एक दूसरा दाढ़ी वाला मास्टर याशामारू को बोलता है, यंग फाइटर मेरे हिसाब से तुम अपनी जीत का जश्न बहुत जल्दी मना रहे हो। तभी वो कुबड़ा फाइटर एक मकड़ी की तरह पोजीशन ले लेता है और बिल्कुल ब्लैक विडो स्पाइडर की तरह अपनी लंबी जीभ से चिपचिपा बदबूदार लिक्विड याशामारू पर फेंकता है। याशामारू के दोनों हाथ उस चिपचिपे लिक्विड से आपस में बन जाते हैं और याशामारू जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर बूढ़ी औरत से बात करने वाला मास्टर हैरानी से साथ में बैठे हुए एक और मास्टर को बोलता है, देखो दांजो, तुम्हारे निंजा ने अभी अभी अपने मुंह से कुछ थूका है याशामारू पर, वो लगता है चिपचिपे थूक का अटैक है। मास्टर आगे बोलता है, ये आखिर है कैसा जानवर? बूढ़ी मास्टर ये सुनकर हंसने लगती है और बोलती है, तुम अनजान बनकर मत दिखाओ, तुमको पता है कीड़े मकौड़े कभी भी याशामारू की कोकुजू टेक्निक के आगे टिक नहीं पाएंगे। कूबर निकले फाइटर का मास्टर दांजो हंसता है और बोलता है, तुम सबको क्या लगता है मैंने एक कीड़े को खोगस क्लैन को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है? मास्टर दांजो आगे बोलता है, ये काजामाची का स्पिटिंग अटैक है, ये दुनिया की किसी भी गोंद से 100 गुना ज्यादा चिपचिपा है। इतने में मकड़ी बना फाइटर काजामाची याशामारू के कंधे पर चढ़ जाता है और उसे बोलता है, चलो अब तुम एक घायल कुत्ते की तरह रोना शुरू करो तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा और तुम्हें
एक क्विक और पेनलेस मौत दूंगा। याशामारू उसे जवाब देता है, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। याशामारू अपने दोनों पैरों से स्ट्रैंड्स अटैक करता है। काजामाची हवा में उछल जाता है और याशामारू स्ट्रैंड से उस चिपचिपे जेल को काट कर आजाद हो जाता है। खोगस फाइटर काजामाची हवा में कलाबाजी खाते हुए जमीन पर मकड़ी की तरह चिपक जाता है। याशामारू काजामाची को चिल्लाकर बोलता है, अब मैं तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कूंगा और अब मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करूंगा। काजामाची हंसते हुए बोलता है, इससे पहले ही मैं तुम्हारी अतरियों को तुम्हारे पेट से खींचकर निकाल दूंगा। दोनों फाइटर्स भागकर पास की ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़कर एक दूसरे पर स्ट्रैंड्स और स्पिटिंग अटैक करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के अटैक से अपने आप को बचा लेते हैं। बूढ़ी ईगा क्लैन मास्टर ओगन और खोगा क्लैन मास्टर दानजो एक दूसरे के फाइटर्स की फाइट को ध्यान से देख रहे होते हैं। उनके पीछे बैठा एक मास्टर हांजो खुद से बोलता है, दानजो लीडर ऑफ कोगा क्लैन, ओगन लीडर ऑफ ईगा क्लैन, ये दोनों ही कितने जहरीली नफरत से भरे हुए हैं। ये दोनों ही बहुत बड़े पापी हैं और उनके फाइटर्स भी उन्हीं की तरह जहरीली नफरत से भरे हैं। इनको देखकर साफ पता चलता है कि क्यों फर्स्ट हांजो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दोनों की शांति संधि करवाई थी। पर कोई भी शांति संधि उनके अंदर बसी उस नफरत की भावना को मिटा नहीं सकती। पता नहीं क्यों लॉर्ड लियासो ने इन दोनों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। क्या वो पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा करना चाहते हैं? क्या इन सभी टेक्निक्स के प्रदर्शन का कोई और कारण हो सकता है? पास में ही बैठा लॉर्ड लियासो अपनी पुरानी यादों में डूबा होता है। उसको याद आता है उसके सामने एक लंबी नाक वाला छोटा सा आदमी बैठा है और लॉर्ड लियासो उसे बोलता है, निंजा। वो लंबी नाक वाला आदमी बोलता है, एक अच्छी तलवार वही होती है जिसे मयान में रखकर छोड़ दिया जाता है। लॉर्ड लियासो जवाब देता है, तुम्हारा मतलब ये है कि इन सभी निंजास को मुझे धीरे धीरे ख़त्म करते रहना चाहिए ताकि नेक्स्ट टोकोगावा शोगन कौन होगा मैं ये तय कर सकूं। वो लंबी नाक वाला छोटा बुढ़ा बोलता है, एदो कासल के अंदर अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। सबकी वफादारियां दो गुटों में बट चुकी हैं। एक तरफ हिदेतादा का बड़ा बेटा ताकेचियो और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई किनिचियो, ये दो गुट बन चुके हैं। यहाँ तक कि हाई रैंकिंग मिनिस्टर भी अब अपने संबंधियों के विरोध में आ गए हैं। अगर ये सारे विरोध ऐसे ही चलते रहे तो टोकुगावा किंगडम टूट कर बिखर जाएगा। लॉर्ड लियासो उस छोटे बुढ़े को बोलता है, तभी मैं तुम्हारे पास आया हूँ तेनकाई। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी एज से भी ज़्यादा पुराना है और विश्वसनीय है। तेनकाई जवाब देता है, मैंने इस मामले को सुलझाने के लिए बहुत सोचा है माय लॉर्ड। एक टूटा हुआ पत्ता कभी भी अपनी टहनी पर वापस जाकर नहीं लगता। जो हो गया सो हो गया। हिदेतादा के बेटों की किसी भी संवेदनशील योजनाओं में कोई रुचि नहीं है। उन दोनों की इच्छा बस विरासत की ताकत और गद्दी पाने की है। माय लॉर्ड, आपको एक समुराई परिवार के लायक सॉल्यूशन ऑफर करना ही पड़ेगा ताकि धोखाधड़ी की इस लड़ाई को रोका जा सके। पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि टोकुगावा समुराई का विनाश ना हो, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। लॉर्ड लियासो तेनकाई को बोलता है, तो निंजा फाइट्स तुम ये सजेस्ट कर रहे हो? तेनकाई जवाब देता है, जी माय लॉर्ड, उनको रीजन दो फाइट्स के लिए और वो खुशी खुशी चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। वो सभी एक दूसरे की गर्दन काटकर खून का समंदर बना देंगे। और माय लॉर्ड, हमें मिलेगा एक विजेता और हमें थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तभी दीवार का एक टुकड़ा टूटता है और यादों में डूबा लॉर्ड लियासो प्रेजेंट में आ जाता है। दोनों फाइटर्स अभी भी इमारत पर चढ़कर एक दूसरे पर वार किए जा रहे होते हैं। लॉर्ड लियासो सबको चिल्लाकर बोलता है, मैंने बहुत फाइट देख ली, उन दोनों को अब वापस बुलाओ। वहां पर बैठा एक मास्टर बोलता है, दानजो लीडर ऑफ कोगा क्लैन,
और ओगन लीडर ऑफ ईगा क्लैन अपने अपने फाइटर्स को रोको। दोनों मास्टर चिल्लाकर फाइटर्स को रुकने के लिए बोलते हैं। एक धमाके के साथ दोनों फाइटर्स रुक जाते हैं। लॉर्ड लियासु दोनों क्लैन लीडर्स और उनके फाइटर्स को बोलता है, खोगा क्लैन और ईगा क्लैन, तुम लोगों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता कि इतने घातक निंजाज यागु राज्य के इतने नज़दीक छुपे हुए हैं। मैं अब बहुत हैरान और सावधान हो गया हूँ। मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी थी अद्भुत टेक्निक्स की अपने पूर्वजों से, पर जो स्किल तुम दोनों ने आज प्रदर्शित की है वो मैंने आज से पहले ना कभी देखी है ना ही सुनी है। लॉर्ड लियासु आगे बोलता है, बिल्कुल सही बात, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन था। दोनों क्लैन लीडर्स की मैं बहुत सराहना करता हूँ। दोनों क्लैन लीडर्स लॉर्ड लियासु का धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड लियासु उनको बोलता है, अलग अलग सोच ने तोकुगावा के बीच दरार डाल दी है। तुम दोनों क्लैंस के बीच एक बैटल ही अगला शोगुन कौन होगा ये तय करेगी। क्या तुम दोनों को ये बात मंजूर है? ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। फिर खोगा क्लैन का लीडर दानजो बोलता है, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ माय लॉर्ड? लॉर्ड लियासु जवाब देता है, बोलो दानजो। दानजो आगे बोलता है, हम खोगा क्लैन वाले ईगा क्लैन के 400 साल से दुश्मन हैं। तोकुगावा के राज्य ने हमें शांति संधि में बांध कर रखा है, नहीं तो हम मौत आने तक फाइट करते रहे। ईगा क्लैन की लीडर ये सुनकर जवाब देती है, पर हमने शांति संधि को मान रखा है जो हथौड़ी हांजो ने हम पर जबरदस्ती थोपी थी। क्या अब ये संधि निरस्त की जा रही है? लॉर्ड लियासु हांजो की तरफ देखता है और बोलता है, तो ये मंजूर होता है, ये संधि खत्म की जाती है। लॉर्ड लियासु अपने चोगे की अंदर की जेब में से दो स्क्रोल निकालता है और बोलता है, चलो फिर चैलेंजेस की शुरुआत करते हैं। खोगा और ईगा क्लैन, तुम दोनों अपने 10-10 निंजा के नाम इन स्क्रोल पर लिखो। खोगा क्लैन फाइट करेगा लॉर्ड कुनिचिया जो है हिदेतादा के छोटे बेटे, और ईगा क्लैन फाइट करेगा लॉर्ड ताकेचियो हिदेतादा के बड़े बेटे के लिए। इस लड़ाई का अंत बहुत दर्दनाक होगा और जिस क्लैन के फाइटर्स मौत के खूनी पंजों से अपनी जान बचा पाएंगे वो जीत हासिल करेंगे। विजेता हजारों सालों तक राज करेगा। सभी लोग शर्तें मंजूर कर बाहर आ जाते हैं। खोगा क्लैन मास्टर अपने कुबड़ निकले मकड़ी जैसे फाइटर को बोलता है, खाजा माची तुम अब जाओ खोगा ये स्क्रोल लेकर। ईगा क्लैन की मास्टर बुढ़ी ओगन अपने फाइटर याशामारू को स्क्रोल देकर वापस ईगा क्लैन जाने को बोलती है। दोनों फाइटर्स हवा की तेजी से वहां से निकल जाते हैं, पर दानजो बड़ी चालाकी से याशामारू की जेब से उसका स्क्रोल चुरा लेता है। फिर वो ईगा क्लैन की मास्टर ओगन से बोलता है, लगता है हम उसी जगह पहुंच गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ओगन जवाब देती है, बिल्कुल। थोड़ा रुककर ओगन फिर बोलती है, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन दोनों क्लैंस की दुश्मनी को भुलाकर आपस में कितना प्यार करते हैं। अभी हमने शांति को अपनाना शुरू ही किया था कि ये संधि टूट गई। दानजो जवाब देता है, ये शर्मनाक है, हमें पता है कि वो लोग अभी भी मिल रहे होंगे। ओगन बोलती है, ये बहुत दुखद घटना है, लगता है वो लोग बहुत बुरी घड़ी में पैदा हुए हैं दानजो। दानजो बोलता है, हाँ सच में बुरे समय में। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दानजो आगे बोलता है, किस्मत ने फैसला सुना दिया है। ओगन बोलती है, हाँ किस्मत का फैसला बहुत डरावना है। ओगन और दानजो पुरानी यादों में डूब जाते हैं। एक लड़की झरने के नीचे नहा रही होती है, वो ओगन होती है। दानजो भी वही पास में पेड़ का सहारा लेकर किताब पढ़ रहा होता है। ओगन नहाने के बाद भागती हुई दानजो से मिलने जाती है और उसको पुकारती है, दानजो सामा। दानजो जवाब देता है, ओगन दोनों। ओगन भागते हुए दानजो के पास आती है और बोलती है, माफ करना मुझे आने में देरी हुई। वो दोनों पत्थरों के ऊपर बैठ जाते हैं। दानजो ओगन को बोलता है,
जब हम दोनों साथ होते हैं तो जिंदगी कितनी सुंदर और सुहानी लगती है। ओगन जवाब देती है, हाँ सच में, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि काश खोगा क्लैन और ईगा क्लैन ना होते तो कितना अच्छा होता और हम लोगों को अपना प्यार कभी छुपाना नहीं पड़ता। दानजो ओगन को बोलता है, चिंता मत करो, हमको ज्यादा दिनों तक ये सब छुपाना नहीं पड़ेगा। खोगा के बुजुर्ग मेरी तरफ हैं, यहाँ तक कि हथौरी हांजो भी यही चाहते हैं कि हमारी फैमिलीज भी शांति का रास्ता अपनाएं और इस बेकार की दुश्मनी का अंत करें। हम उनको हमारी मदद करने के लिए बोल सकते हैं। अगर कोई भी शांति संधि को लागू कर सकता है तो वो है हांजो। ओगन बोलती है, हाँ मैं आशा करती हूँ कि तुम सही बोल रहे हो। दानजो फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है, हम लोगों को अब चलना चाहिए, सूरज ढलने ही वाला है, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग जल्दी ही साथ होंगे, मैं ये वादा करता हूँ। ओगन दानजो को बोलती है, क्या सच में ऐसा कभी हो पाएगा? दानजो जवाब देता है, जरूर। ओगन बोलती है, क्या हमारी जिंदगी में कभी शांति रहेगी? दानजो जवाब देता है, कभी भी इस बात पर डाउट नहीं करना, हम दोनों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें अपने परिवार से भी बात करनी होगी, हम जरूर इन मुसीबतों से बाहर निकलकर शांति से जीवन बिताएंगे, मैं वादा करता हूँ, पर हमें दिल से ये सब मानना पड़ेगा। ओगन दानजो के गले लग जाती है और बोलती है, ये सब सच होगा दानजो। तभी घाटी में एक जोरदार धमाका होता है, वो दोनों हैरान हो जाते हैं। ओगन चीखती है, ये क्या हम पर हमला हुआ है? घाटी में बसे ईगा क्लैन के विलेज पर बहुत बड़ा हमला हुआ होता है। सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, घरों की छतों में आग लगी हुई होती है। हमलावर बंदूकों, तोपों और तलवारों से ईगा क्लैन के लोगों को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। चारों तरफ लाशें बिखर जाती हैं। तभी एक तोप ईगा क्लैन के वॉच टॉवर को उड़ा देती है। विलेज की तरफ भागते हुए ओगन दानजो से बोलती है, ऐसे वॉच टावर को कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है? दानजो भागते हुए बोलता है, ये कोई आम हमला नहीं है, ये वॉर है। लेकिन ईगा क्लैन पर हमला कौन करेगा और क्यों करेगा? तभी दानजो की नजर हमलावरों के फ्लैग पर पड़ती है और वो बोलता है, ये हमलावर तो ओडा क्लैन है। दोनों विलेज में पहुंचकर वहां की तबाही देखकर हैरान हो जाते हैं। ओगन अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हमलावर बचे हुए लोगों को अपना निशाना बना रहे होते हैं। कुछ हमलावर एक औरत को घेर कर मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी दानजो उन पर नुकीली मेटल स्क्वेयर से अटैक करता है और उन हमलावरों को मार गिराता है। ओगन देखती है कि वो औरत अब जिंदा नहीं बची है और रोने लगती है। दानजो रोती हुई ओगन से बोलता है, ओगन, क्लैन के एल्डर्स कहाँ है? ओगन कोई जवाब नहीं देती, बस रोए चली जाती है। दानजो ओगन को जोर से पुकारता है, ओगन! ओगन अपना नाम सुनकर होश में आती है और तभी और हमलावर वहां आ जाते हैं। वो ओगन और दानजो के ऊपर फायर करते हैं। दानजो बड़ी आसानी से उनके बुलेट्स को अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है। वो रोती हुई ओगन को पूछता है, ओगन क्या तुम ठीक हो? ओगन के कंधे को स्क्रैच करती हुई एक बुलेट निकल जाती है। वो दानजो को बोलती है, ये तो बस एक स्क्रैच है और कुछ नहीं। फिर वो दोनों भागते हुए क्लैन एल्डर के घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में सारे मकानों में आग लगी होती है। वो लोग जब क्लैन एल्डर के घर जाते हैं तो देखते हैं कि क्लैन एल्डर की लाश पड़ी हुई है और कुछ ईगा क्लैन वाले उसके आसपास खड़े हैं। ओगन जोर से चिल्लाती है, दादाजी! क्लैन एल्डर ओगन के दादा होते हैं। ओगन दानजो के गले लगकर रोने लगती है। ईगा क्लैन का एक फाइटर ओगन को कहता है, ओगन अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, हम लोगों को यहाँ पहुँचने में देर हो गई, हमें माफ करना। तभी वो फाइटर ध्यान से दानजो को देखता है और बोलता है, एक खुगा क्लैन का आदमी यहाँ? दानजो तुम? इस सब का क्या मतलब है? तुम ओगन के साथ यहाँ? वो दानजो और ओगन को गले लगा देखकर समझ जाता है
कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और फिर वो बोलता है, अच्छा तो ये बात है। तभी एल्डर के घर की जलती हुई एक दीवार टूटकर गिर जाती है और बाहर बहुत सारे ओडा क्लैन के सिपाही एल्डर के घर की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। ये देखकर ईगा क्लैन का फाइटर बोलता है, हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले पूरा ईगा क्लैन नष्ट हो। वो अपने सिपाहियों को बोलता है, सभी सर्वाइवर्स को अपने साथ लो और भागो यहाँ से। ये सुनते ही ओगन अपने होश खो बैठती है और वो बोलती है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं उन सबको मार डालूंगी। डांजो ओगन को पकड़ता है और बोलता है, नहीं ओगन प्लीज ऐसा मत करो, वो बहुत सारे हमलावर हैं। ओगन डांजो की बात मान लेती है और सिपाहियों के साथ ओगन डांजो और बाकी बचे हुए गार्ड्स एक सुरंग के रास्ते से वहां से निकल जाते हैं। ईगा फाइटर खुद से बोलता है, ओडा क्लैन का नोबू नागा लगता है कि बिल्कुल सनकी है, एक समझदार आदमी कभी भी इतनी भयानक तबाही नहीं मचाता। नोबू नागा को ऐसी लूटपाट और हत्या करने के लिए कुचल डाला जाएगा। फिर वो फाइटर बचे हुए सिपाहियों को गेट पर जाने के लिए बोलता है। सुरंग का दूसरा छोर ओगन डांजो और गार्ड्स को एक जंगल में पहुंचा देता है। ओगन डांजो को बोलती है, तुम्हें अब वापस खुगा जाना चाहिए, मैं एक दिन तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, मैं ये वादा करती हूँ डांजो सामा। डांजो ओगन को बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता, मैं तुमको पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाऊंगा, चलो अब मैं तुम्हारे घावों को देखता हूँ। तभी गार्ड्स पर कोई स्क्वायर से अटैक करता है, ओगन के तीन गार्ड्स वहीं पर ढेर हो जाते हैं। डांजो अपनी तलवार निकालकर सतर्क हो जाता है। ओगन को भी एक स्क्वायर उसके पीठ पर आकर लगती है। डांजो ओगन और हमलावरों के बीच आ जाता है। डांजो की तलवार से आकर एक निंजा स्टार अटक जाता है, जिसे देखकर डांजो हैरानी से बोलता है, ये तो एक कोगा स्टार है, आखिर हम लोग इस हमले में शामिल क्यों हैं? तभी हमलावर जोर से बोलता है, डांजो सामा। आवाज सुनकर डांजो हैरान हो जाता है और बोलता है, रेनबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमलावर पेड़ों से कूदकर नीचे आ जाते हैं और डांजो को बोलते हैं, डांजो सामा द ओडा क्लैन ने बहुत बड़ा हमला किया है, हम लोग तो बस बचकर भागते हुए लोगों को मार रहे हैं। हमारे क्लैन के एल्डर्स ने यही फैसला किया है कि हम लोग ओडा क्लैन को इस युद्ध में मदद करेंगे, तभी हम लोग पूरी तरह से ईगा क्लैन को खत्म कर पाएंगे। डांजो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा चीफ हूँ और मैं तुम्हें इसी पल रुकने का आदेश देता हूँ। कुगा क्लैन का हमलावर गुस्से से डांजो को बोलता है, हमें तुम्हारा कोई भी आदेश ना मानने का ऑर्डर मिला है डांजो सामा, ईगा क्लैन का एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए। डांजो उनको बोलता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी पीछे से ओगन बोलती है, तो ये सब एक झूठ था, मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई थी। तुमने झूठ बोला था डांजो, कुगा क्लैन कभी भी शांति समझौता नहीं मानना चाहता था। डांजो परेशान होकर बोलता है, ओगन आखिर तुम ये सब क्या कह रही हो? ईगा क्लैन का एक घायल गार्ड अपनी तलवार डांजो की तरफ उठा देता है। डांजो ओगन को बोलता है, प्लीज मेरी बात सुनो ओगन, ये सब एक गलत फहमी है। ओगन दर्द से कराहकर गिर जाती है। डांजो उसे सहारा देते हुए बोलता है, ओगन तुम्हारे घाव मुझे देखने दो। तभी दो ईगा गार्ड्स डांजो की गर्दन पर तलवार रख देते हैं। ओगन भी अपने घाव को अपने हाथों से ढक देती है। डांजो ओगन को बोलता है, तुम अपना हाथ हटाओ और मुझे देखने दो, ये सिर्फ एक छोटी सी खरोच नहीं है, ये घाव बहुत गहरा लगता है, ये घाव जानलेवा भी हो सकता है ओगन, प्लीज ओगन मुझे देखने दो। ओगन बस रोए चले जाती है। डांजो उसका नाम जोर जोर से पुकारता है, ओगन ओगन। ओगन उठकर खड़ी हो जाती है और पास में जमीन पर धसी हुई एक तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेती है। डांजो भी खड़ा होकर अपनी तलवार उठा लेता है और पलट कर जाते जाते बोलता है, हम लोग एक सपने में जी रहे थे, हमारा प्यार कभी भी पूरा होना ही नहीं था,
ओगन तलवार को पकड़कर बोलती है, दांजो मैं तुमको तुम्हारी मौत तक लेकर जाऊंगी। वो वापस जाते हुए दांजो पर चीखती हुई हमला कर देती है। दांजो पलटकर अपनी तलवार से ओगन की तलवार का वार रोक देता है। दोनों की तलवारों से चिंगारियां निकलने लगती है। दांजो और ओगन दोनों अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। बुढ़ा दांजो बुढ़ी ओगन को बोलता है, मुझे हमेशा से तुम्हारी जान के लिए डर लगा रहता है ओगन, क्योंकि तुम अभी कुगा मांजीदानी के शिनोबी से वाकिफ नहीं हो। ओगन हंसती है और बोलती है, तुम अपनी चिंता करो दांजो, तुम भी अभी ईगा क्लैन के 10 योद्धाओं के बारे में कुछ नहीं जानते हो। दांजो फिर नफरत भरी निगाहों से ओगन को देखकर बोलता है, तुम्हारा मतलब 9 योद्धा? और ओगन पर नुकीली स्क्वायर से वार करके हंसने लगता है। दांजो की स्क्वायर ओगन के गले से आर पार हो जाती है। वो अपनी आवाज भी नहीं निकाल पाती। दांजो हंसते हुए ओगन को बोलता है, तुम कितनी लापरवाह हो गई थी कि तुमने अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा तक नहीं। शातिर हंसी हंसते हुए दांजो बोलता है, ये सब तो कभी ना कभी होना ही था। मैंने तो बस तुम्हारी मौत को तुमसे जल्दी मिलवा दिया है ओगन। फिर दांजो याशा मारू से चुराई हुई फाइटर्स के नाम की लिस्ट को निकालता है और उसमें से ओगन के नाम को उसी के खून से मिटा देता है। दांजो फिर से ओगन को बोलता है, ये प्यार के लिए नहीं है, ये तो बस अपने आप को बचाने के लिए है। फिर वो एक और स्क्वायर से ओगन पर वार करता है और ओगन नीचे गिर जाती है। दांजो फिर से ओगन की लाश के नजदीक जाकर उसकी आंखें बंद करता है और बोलता है, तुम्हारी मौत के बाद की ये यात्रा अच्छी हो मेरे प्यार। और पलट कर जाते जाते बोलता है, जो लोग युद्ध के दौरान पैदा होते हैं उनकी ऐसी ही किस्मत होती है ओगन। तभी एक ईगा क्लैन का गिद्ध आकर दांजो पर अटैक करता है और उसका ध्यान भटक जाता है। नीचे पड़ी ओगन अपनी आंखें खोलती है और अपने मुंह से एक स्क्वायर निकाल कर दांजो के दिल के आर पार कर देती है। दांजो दर्द से चिल्ला उठता है और जमीन पर गिर जाता है। ओगन दांजो का नाम योद्धाओं की लिस्ट में से दांजो के ही खून से मिटा देती है और दांजो की लाश के पास गिरकर मर जाती है। आसमान में उड़ता गिद्ध नीचे आता है और योद्धाओं की लिस्ट अपने पंजों में दबा कर उड़ जाता है। वहां से बहुत दूर टोकी पास पर दांजो का पोता गुनोस्के ओगन की पोती ओबोरो का इंतजार कर रहा है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी भी होने वाली थी, पर बदकिस्मती से ईगा और कोगा क्लैन की संधि अब टूट गई है और दोनों क्लैंस की फिर से लड़ाई शुरू होने वाली है। इस बात से गुनोस्के और ओबोरो दोनों अनजान हैं। जब ओबोरो टोकी पास पर पहुँचती है और गुनोस्के को देखती है तो वो दौड़कर उसकी तरफ बढ़ती है। भागते हुए उसका पैर एक पेड़ की जड़ में फंस जाता है और उसकी सैंडल भी टूट जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि गुनोस्के उसे आकर थाम लेता है। फिर ओबोरो गुनोस्के को बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आभास हो रहा है कि बुरा वक्त आने ही वाला है। गुनोस्के उसे समझाता है, बुरा नहीं, अब तो सालों बाद अच्छा वक्त आएगा। हमारी शादी से हमारी क्लैंस एक हो जाएंगी। ईगा और कोगा क्लैन की दुश्मनी अब इतिहास बन के रह जाएगी। फिर गुनोस्के देखता है कि ओबोरो की सैंडल टूट गई है तो वो उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। चलते चलते ओबोरो उसे कहती है, मैंने एक निंजा क्लैन में जन्म लिया है पर मुझे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल नहीं आती, मुझ में निंजा वाली कोई भी बात नहीं है, क्या ये सही है? गुनोस्के उसे बोलता है, अब जिस नई दुनिया में हम कदम रखने वाले हैं वहाँ मार्शल आर्ट्स की कोई जरूरत नहीं होगी ओबोरो। एक शांति का दौर आएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उधर जंगल में कोगा क्लैन के एक आदमी जोसुके हवा में उड़ता ओगन का गिद्ध देखता है, जो वही स्क्रोल लेकर जा रहा होता है जिसमें संधि टूट जाने की खबर लिखी है और दोनों क्लैंस के योद्धाओं के नाम भी लिखे हुए हैं। वो आसमान में उड़ते उस गिद्ध पर वार करता है। गिद्ध के पंजों से स्क्रोल छूट जाता है
और नीचे गिर जाता है। पर इससे पहले कि जोसुके उस स्क्रोल को पढ़ता, ईगा क्लैन का एक आदमी रोसाई जोसुके को रोक लेता है और कहता है, ये स्क्रोल ईगा क्लैन के लिए है, चुपचाप इसे मुझे दे दो। जोसुके रोसाई को चैलेंज करता है और बोलता है, आजा दो दो हाथ हो जाए, जो जीतेगा स्क्रोल उसी को मिलेगा। रोसाई फिर अपनी इलास्टिक टेक्निक से अपने हाथ पैर लंबे कर लेता है और जोसुके को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जोसुके अपनी बैलून टेक्निक से हवा में गुब्बारे की तरह उड़ जाता है। फिर दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे से जूझते हैं। मौका पाकर जोसुके स्क्रोल लेकर भाग जाता है। उधर दानजो के घर में कुछ योद्धा इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक जुबेई अपनी ज्योतिष विद्या से बताता है कि दानजो के सितारे अच्छे नहीं हैं, वो किसी मुसीबत में है। एक योद्धा बोलता है, मैं अभी जाके दानजो सामा और काजामाची को अपने साथ वापस लेकर आता हूँ। पर जुबेई बोलता है, ठहरो, मैं जाऊंगा उन्हें लाने। अगली सुबह एक पहाड़ी पर ओबोरो गेनसुके के कंधे पर सर रखकर सो रही होती है। जब वो जागती है तो गेनसुके को बोलती है, मुझे माफ करना, मैं इतनी देर तक सोती रही, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला और मुझे अब काफी देर हो गई है, मुझे घर लौट जाना चाहिए। फिर दोनों ओबोरो के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक गेनसुके को कुछ आभास होता है। वो अपनी तलवार निकालने वाला होता है कि वो देखता है ओबोरो को लेने ईगा क्लैन के चार निंजाज उसके पास आ रहे हैं। उन्हें देखकर ओबोरो उनसे माफी मांगती है, मैं आपको बिना बताए रात भर गायब थी, मुझे माफ करना। तभी जोसुके वहां आ जाता है और उसकी और ओबोरो की नजर आपस में मिलती है। जोसुके डर से कांपने लगता है। वो गेनसुके से बोलता है, आप ओबोरो को अपनी नजर हटाने के लिए बोले। ओबोरो अपनी नजरें हटा लेती है। गेनसुके बताता है कि ओबोरो के पास जन्म से ही ये गिफ्ट है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति उससे नजरें मिलाएगा तो बहुत कमजोर पड़ जाएगा। इतने में रोसाई भी वहां आ जाता है और वहां मौजूद ईगा क्लैन के निंजास को बताता है कि जोसुके के पास ओगन का एक स्क्रोल है जो वो चोरी से यहाँ ले आया है। ये सुनकर गेनसुके जोसुके से वो स्क्रोल ले लेता है और ओबोरो को दे देता है। ओबोरो स्क्रोल को खोलकर पढ़ने ही वाली होती है कि एक निंजा जिंगोरो उसे कहता है, आपको कुगा क्लैन के किसी व्यक्ति के सामने स्क्रोल को पढ़ना नहीं चाहिए। ओबोरो उसे बोलती है, ये मेरा होने वाला पति है। पर बाकी निंजाज भी ओबोरो को स्क्रोल खोलने के लिए मना करते हैं, तो वो गुस्से से उनकी तरफ स्क्रोल फेंक कर गेनसुके के पास आ जाती है। गेनसुके जोसुके के साथ वापस लौट रहा होता है। फिर ईगा क्लैन के वो पांचों निंजा स्क्रोल पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ते ही पता चल जाता है कि शांति संधि टूट गई है। जब ओबोरो उनसे पूछती है, स्क्रोल में क्या लिखा है, तो वो उसे झूठ बोल देते हैं। इसमें लिखा है ईगा और खोगा क्लैन का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। फिर वो चालाकी से गेनसुके को अपने ईगा क्लैन के अड्डे पर इनवाइट करते हैं। गेनसुके उनकी बात मान लेता है, पर जोसुके उसे मना करता है। पर एक निंजा आके गिनु जोसुके को सेड्यूस करके उनके साथ चलने को मना लेती है। फिर आके गिनु के साथ गेनसुके, ओबोरो और जोसुके ईगा क्लैन के अड्डे जिसका नाम सुबागाकुरे है वहां चल पड़ते हैं। बाकी चार निंजाज अपने कमांडर तेंजिन को वो स्क्रोल दिखाते हैं। स्क्रोल को पढ़कर तेंजिन उन्हें बताता है, हमारी लीडर ओगन अब नहीं रही है और खोगा क्लैन का लीडर दानजो भी अब नहीं रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली है, वो शायद इसी तरह से मना चाहते थे। फिर वो खुश होकर बोलता है, अब ईगा और खोगा क्लैन की संधि टूट चुकी है, अब हमारे हाथ खुल गए हैं, अब खोगा क्लैन का अंत करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बेजिलिस्क का ये भाग यही खत्म होता है। आगे की कहानी हम अगले भाग में जल्द ही पेश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और दिलचस्प कहानियों के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।
और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।